45 लाख योजन। अब ये 45 लाख योजन कैसे होता है अपन इसको समझते देखो। पहले अपन समझ ले थोड़ी सी तत्वार सूत्र के अनुसार रचना कि जम्बू द्वीप से दुगना लवण समुद्र है, लवण समुद्र से भी दुगना धातकी खंड द्वीप है, और उससे आगे आगे के द्वीप और समुद्र सब दूने दूने हैं, द्विर द्विर धातकी खंडे, दूने दूने है ये। और ये ढाई द्वीप तक तो मनुष्य जा सकता है, वहां ढाई द्वीप के बाहर मनुष्योत्तर पर्वत है, उसके परे मनुष्य नहीं जा सकता, लेकिन द्वीप समुद्र उसके आगे भी अनेक है, असंख्यात द्वीप समुद्र है। ये पूरी रचनाएं एक राजू में है, और ये एक राजू छोटा मोटा राजू नहीं है, नहीं ये राजू बन गया जेंटलमैन वाला राजू है। ये जो राजू है इसका यदि मैं आपको एक संक्षेप से आपको इसका स्वरूप बताऊं कि कोई यदि चार्टर प्लेन करे, कोई समझ लो देवलोक का विमान यहाँ आवे, और वो पहले समय में एक समय में यदि वो 50,000 योजन यानी 20 करोड़ मील या यूं 20 करोड़ मील की दूरी तय करे, अथवा यूं कहे 40 करोड़ 1 लाख योजन पहले समय में तय करे, और दूसरे समय में उसकी रफ्तार दूनी हो जाए, तीसरे समय में और दूनी हो जाए, और चौथे समय में और दूनी, ऐसे उसकी रफ्तार दूनी दूनी होती जाए, तो कितना समय उसको एक राजू को तय करने या यूं कहे आधे राजू को तय करने में कितना समय लगेगा? सागरों लग जाएंगे, सागरों। क्या 2.5 सागर उसको काल केवल आधा राजू तय करने में लग जाएगा, वो भी उसकी रफ्तार कितनी हो रही है? दूनी दूनी, और प्रत्येक समय उसकी रफ्तार दूनी दूनी हो रही है। तो बहुत विस्तृत है ये, हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, अभी एक भैया आए थे वो बोले कि ये जो अमेरिका वाले हैं ये विद्याधर है, और पाकिस्तानी जो है वो अमलेच है। मैंने कहा भैया ये पूरा विश्व भरत क्षेत्र के आर्यखंड का एक छोटा सा हिस्सा है, आप चित्र देख रहे हैं, ये छोटे से हिस्से में हम रह रहे हैं, जो आज की पूरी दुनिया नोन है वो पूरी दुनिया कुछ योजन क्या 20,000 मील भी यदि अपन उसको देखें तो 4,000 मील का एक योजन होता है, तो 5 योजन में पूरी दुनिया समा जाएगी अपनी, और यहाँ जो वर्णन है वो 526 योजन का तो अकेला भरत क्षेत्र है। तुम कुएं के मेंढक जैसे कह रहे हो कि यही हमारी पूरी दुनिया है, और यही विजयार्थ पर्वत है, और यही म्लेच्छखंड है। ये विस्तृत रचना है, ये जब हम कर्णानियोग पढ़ते हैं तो कर्णानियोग में उतनी बारीकी से वर्णन है और उतनी विस्तृत वर्णन भी है। यदि बारीकी देखें तो समय का वर्णन है, और विस्तार से देखें तो राजुओं में वर्णन है। तो इसलिए हम जो भी जहां जितने भी लोग हम सब रह रहे हैं ये सब भरत क्षेत्र के आर्यखंड के छोटे से हिस्से में रह रहे हैं। इसलिए कोई भी पाकिस्तान को म्लेच्छखंड नहीं समझे, पाकिस्तान किसी समय में हमारे देश का हिस्सा था, और ना अमेरिका वाले विद्याधर है, हम ही विद्याधर है। और विद्याधर जो है वो विजयार्थ पर्वत पे रहते हैं, इस काल में किसी की विजयार्थ पर्वत पे जाने की शक्ति नहीं है। विजयार्थ पर्वत के वहां तो अभी भी भाई साहब ने बताया था कि विजयार्थ पर्वत पे तो अभी भी चौथा काल चल रहा है, चौथे काल के अंत जैसी रचना वहां चल रही है, और जब तक पंचम छठम छठम पंचम काल यहाँ रहेगा तब तक वहां चौथे काल के अंत जैसी ही रचना रहेगी। फिर जब चौथे काल के अंत से हम लोग परिवर्तन करना चालू करेंगे तब वो हमारे साथ परिवर्तन करेंगे और चौथे काल के आदि तक परिवर्तन करेंगे। फिर जब हम आदि में आ जाएंगे उसके बाद यहाँ भोग भूमि चालू होगी, जब हमारे यहाँ भोग भूमि होगी तब विजयार्थ पर्वत पर म्लेच्छखंड में भोग भूमि नहीं होगी, वहां चौथे काल के आदि जैसी व्यवस्था रहेगी। इसलिए परिवर्तन भी पूरे भरत क्षेत्र के अंदर नहीं होता, केवल आर्यखंड में परिवर्तन होता है। अब यदि तुम कह रहे हो कि अमेरिका जो है विद्याधर है, विजयार्थ पर्वत है, तो वहां चौथे काल के अंत जैसी रचना दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है वहां, क्या? इसलिए ये जो है हमें पहले पूरे अच्छे से हम समझें कि क्या चीजें हैं ये। ऐसे ही ये जम्बू द्वीप के बाहर जो है, सबसे पहले अपन ने जम्बू द्वीप के बाहर जो है लवण समुद्र है, कि लवण समुद्र, और इस लवण समुद्र में भी अनेक द्वीप है,
जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर आइलैंड है ना अंडमान निकोबार, वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, ऐसे ही जम्बू द्वीप के बाहर जो लवण समुद्र है, उस लवण समुद्र में अनेक अंतरद्वीप है। उन अंतरद्वीपों पे कुभोग भूमिया जीव रहते हैं, जिनके की आप देखेंगे कि जिनका धड़ तो मनुष्य के जैसा है लेकिन उनका चेहरा त्रियंचो जैसा है। मनुष्य गति के जीव हैं लेकिन उनका चेहरा त्रियंचो जैसा है। किसी का चेहरा हाथी जैसा है, किसी का महीष जैसा, किसी का ऊंट जैसा, उल्लू जैसा, किसी का खरगोश जैसा। अब ये खरगोश का इतना बड़ा जो है कान होता है कि वो उसी को ओढ़ता है, उसी को बिछाता है और उसी पे सो जाता है। इतने बड़े बड़े ये मतलब इनके कान होते हैं। तो इस प्रकार से ये जम्बू द्वीप की चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में, माने आठों में, हर एक दिशा विदिशा में तीन तीन अंतरद्वीप है। ऐसे 24 अंतरद्वीप जम्बू द्वीप के किनारे हैं और 24 ही अंतरद्वीप धातकी खंड द्वीप के किनारे लवण समुद्र में है। 48 अंतरद्वीप लवण समुद्र में है और ऐसे ही 48 अंतरद्वीप कालोदधि समुद्र में है। कुल 96 अंतरद्वीप यहाँ पर है। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि इसकी सामान्य से चर्चा होती नहीं है। और ये जितने भी हैं ये सब कुभोग भूमिया मनुष्य कहलाते हैं। और ये इन सब की आयु एक पल की होती है। मिट्टी खाते हैं, फल फूल खाते हैं और सब मंद कषाय से मरकर मिथ्यात्व सहित मरते हैं तो भवनत्रिक में जन्म लेते हैं। और यदि कोई सम्यक प्राप्त कर ले किसी देवादि के उपदेश से तो सोधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ की संक्षिप्त व्यवस्था है। अब आपको ढाई द्वीप का थोड़ा सा विस्तार में आपको इसके माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपन देखते हैं। एक तब तक मैं आपको दूसरे एक चित्र और मुझे दिखाना है। मेरु पर्वत का थोड़ा सा, इसके बारे में भी हमारी बहुत सारी विपरीत मान्यता है। एक मेरु संबंधी पूरा, जैसे अपन ये जिस ढाई द्वीप की चर्चा कर रहे हैं, इस ढाई द्वीप में ज्योतिषी लोक है, ज्योतिष देव है। और वे ज्योतिष देव निरंतर गमनशील है। उसके लिए तत्वार सूत्र में सूत्र आता है मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निरीलोके। ये निरंतर 11, ये निरंतर मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं, नित्य गतिशील है और ये मनुष्य लोक में ही गतिशील है। बहिरअवस्थिता माने ढाई द्वीप के बाहर क्या है ये अवस्थित। और ये जम्बू द्वीप से, सुदर्शन मेरु से 1121 योजन की दूरी पर रहकर और मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। और इसी कारण से क्यों प्रदक्षिणा देते हैं मेरु पर्वत की, क्योंकि मेरु पर्वत जो है वहाँ पर अकृत्रिम चित्यालय है और अनेक तीर्थंकरों के अभिषेक होने से वो पवित्र तीर्थ है। तीर्थंकरों के नवन जलते भय तीर्थ सर्वदा, वो सर्वकाल में तीर्थ है। ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंच मेरुन की सदा। इसलिए देवता लोग मतलब ज्योतिष लोग निरंतर मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। और मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देने से ही यहाँ पर सारी दिन रात की व्यवस्था होती है। इस मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा जम्बू द्वीप के अंदर सूर्य चंद्रमा देते हैं। और ये सूर्य चंद्रमा जो हम समझते हैं, कितने सूर्य दुनिया में, तो लोग कहते हैं एक सूर्य और एक चंद्रमा, जबकि अकेले जम्बू द्वीप में दो सूर्य और दो चंद्रमा है अकेले जम्बू द्वीप में। और जो सूर्य आज हम देख रहे हैं, कल वो सूर्य नहीं आएगा, कल वो सूर्य आएगा जो अभी इस समय एरावत क्षेत्र में है। ये देख रहे हैं आप, ये देखो यहां पर ये दो सूर्य हैं और दो चंद्रमा। अभी हम भरत क्षेत्र के सूर्य में, भरत क्षेत्र का सूर्य हमारे यहां पर है, तो इसी समय एरावत क्षेत्र में भी दिन है, वहां पर एक सूर्य है। और पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह में दो चंद्रमा है। इस प्रकार से दो सूर्य और दो चंद्रमा हमारे चार क्षेत्रों में है। और ये 12-12 घंटे में चेंज होते हैं। अभी हमारे यहाँ का सूर्य चले जाएगा पश्चिम विदेह में और पूर्व विदेह का चंद्रमा हमारे यहाँ आ जाएगा तो रात हो जाएगी। इस प्रकार 12-12 घंटे में ये
एक एक क्षेत्र को बदलते हैं, कुल चार क्षेत्र है, तो पूरे 48 घंटे में एक परिक्रमा एक सूर्य की और एक चंद्रमा की होती है। अब जो मुझे मुख्य विषय बताना था कि एक सूर्य और चंद्रमा का परिवार देव कितना होता है, एक सूर्य का परिवार और एक चंद्रमा का परिवार जिसमें चंद्रमा होता है इंद्र और सूर्य होता है प्रतिंद्र, और एक सूर्य चंद्रमा के परिवार में अनेक ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं और तारे होते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ग्रह कितने होते हैं, ग्रह कितने होते हैं, आप उंगलियों से भी बता सकते हो? नो। जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैन दर्शन के किसी भी ग्रंथ में ग्रहों की संख्या 9 नहीं कही है। ये जो 9 ग्रह शब्द है ये वैदिक परंपरा से आया है, और ये केवल एक तरह का बिजनेस जिसको कहते हैं ना भाई, हमारे हाथों की उंगलियां जो है वो 10 ही है, अब लोगों को ग्रहों की शांति करना है तो उसके लिए अंगूठी बेचना है, तो अंगूठी तो 9 ही जाएगी ना मेरे हाथों में, 9 से ज्यादा कैसे जाएगी, जबकि ग्रह होते हैं 88। मैंने एक भैया से कहा, मैंने कहा तू अपने ग्रह की शांति के लिए, भैया तेरे को सारे ग्रह शांत करने, तूने उंगली अंगूठियां तो 9 ही पहनी है और ग्रह तो 88 है, अब बाल ही बचे हैं। क्या? और फिर उसके साथ में तीर्थंकरों की मान्यता जुड़ गई, ग्रह तो 9 ही है और उनकी शांति के लिए तीर्थंकर 24 चाहिए, माने एक एक ग्रह के लिए मल्टीपल। अब वो डिवाइड करें तो 24/9 में कोई पूरा फ्रैक्शन नहीं आता है, तो किसी के लिए 3, किसी के लिए 5, किसी के लिए 7। हमें यही नहीं मालूम है कि ग्रहों की संख्या कितनी है, ग्रहों की संख्या है 88। एक सूर्य चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह है, 28 नक्षत्र है और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। ये एक सूर्य चंद्रमा का परिवार है। ऐसे जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, अपन देखते हैं उसको एक सेकंड। खैर ये अभी आपको, इसके अलावा इसी जम्बू द्वीप में 14 गुणस्थान वर्ती जीवों की संख्या है। एक सेकंड, 14 गुणस्थान वर्ती संख्या के अंदर हम जब भी चर्चा करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई 3,09,00,000 मुनिराजों की जय हो, जबकि वास्तविकता यह है कि 3,09,00,000 मुनिराज कभी होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन 3,09,00,000 मुनिराजों में 8,98,502 तो 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंतों की संख्या है, इसके अलावा 598 14वें गुणस्थान वर्ती अरहंतों की संख्या है, तो इसलिए 3,09,00,000 मुनिराज में तो अरंत भी शामिल है। 14वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज, 14वें गुणस्थान वर्ती अयोग केवली भी शामिल है, और इतना ही नहीं 6ठे से लेके 14वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों की भी जो कुल संख्या है 3,09,00,000 वो भी नहीं बनती है, क्योंकि जो 598 आठवें गुणस्थान में है, 598 नवे में, 10वें में और 12वें में, तो एक ही समय में यदि ये सब 598 होंगे तो हमारी संख्या 3,09,00,000 बनेगी, जबकि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जो जीव 8वें गुणस्थान में 598 होंगे वही 9वें में जाएंगे 598, वही 10वें में जाएंगे और वही 12वें में जाएंगे, इसलिए चारों गुणस्थानों में एक साथ 598 की संख्या हमको मिल ही नहीं सकती है। क्या? तो इसलिए ये जो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े, यदि मेरे पास ज्यादा समय तो है नहीं, हम लोग थोड़ा अध्ययन करें, हम क्या है जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तो हम 9 ग्रह की मान्यताओं को मानेंगे। जिनवाणी क्या करे, चाहे आप तिलोय पण्डति पढ़ो, चाहे आप त्रिलोक सार पढ़ो, चाहे सर्वार सिद्धि पढ़ो, चाहे जम्बूदीप पण्डति पढ़ो, चाहे कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ो, दिगम किसी भी जैन ग्रंथ में ग्रहों की संख्या 9 नहीं कही है, न ग्रहों का तीर्थंकरों से किसी प्रकार का कोई संबंध है। अब
ये जो हम लोग जम ये जो पल्ले और सागर पढ़ते हैं ना, हम लोग पल्ले है एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, यदि अब आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। एक सिंपल फॉर्मूला है कि भाई लवण समुद्र है तो लवण समुद्र को खाली करने में कितना समय लगेगा, जितना समय लवण समुद्र को खाली करने में लगेगा उसको हम कह देंगे एक सागर। एक जो रोम होता है, जो भोग भूमि के मेंढे का बाल होता है, भोग भूमि के मेंढे के बाल से हम क्या बनाते हैं बोलिए आप लोग, भोग भूमि के मेंढे के बाल से क्या बनाते हैं, पल्ल्य, पल्ल्य बनाते हैं ना, उससे गड्ढा, दादा ने छोटे दादा ने बताया था कई बार गड्ढा खोदना पड़ेगा, उस गड्ढे में हम भरते क्या है, पल्ल्य, मतलब रोम भरते हैं, भोग भूमि के मेंढे के बाल बराबर रोम। वो जो रोम है तो 25 रोम को निकालने में 6 समय लगते हैं, ये फॉर्मूला है, 25 रोम बराबर जल निकालने में 6 समय लगते हैं। तो पूरे लवण समुद्र में यदि हम रोम भरें, उन रोम को यदि हम निकालें, तो जितना समय लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक सागर। हमारे यहां पर जैन दर्शन में जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनको बताने के लिए हमने उपमाओं का प्रयोग किया है। जैसे समुद्र का जल, जितने लवण समुद्र के जल को खाली करने में जो काल लगेगा उसको हम कहेंगे सागर, जो हम गड्ढा भरेंगे उसमें जो रोमों की संख्या है वो है पल्ल्य। ऐसे ही यदि हमें लोक को नापना है तो लोक को नापने के लिए हम ऊपर से नीचे तक जो एक लकीर खींचेंगे उसको हम कहेंगे जगत श्रेणी, जो कि एक सिंगल डायमेंशन है। डबल डायमेंशन चीजों को नापना होगा हमें, 7 राजू ऊंचा 7 राजू चौड़ा, तो हम उसको कहेंगे जगत प्रतर। और जो हमें पूरे लोक को नापना है तो हम कहेंगे लोक। और यदि हमें अंगुल से नापना है तो सुच अंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल। ऐसे ही 8 प्रकार की उपमाएं हैं जिनके द्वारा हम इस पूरे लोक का विस्तृत वर्णन समझते हैं। अभी मैं आपको संक्षेप में ये 45 लाख योजन कैसे होते हैं ये बता के, और फिर जो समय बचेगा अपन बात करेंगे। बस ये 45 लाख योजन कैसे होते हैं ये आपको संक्षेप में बता देता हूं। आपको दिख रहा है ये हो गया आपका 1 लाख, सॉरी ये 1 लाख हो गया। इसके बाद में ये 2 इधर है और 2 इधर, कितना हुआ ये कुल मिला के, 5। फिर ये 4 इधर और 4 इधर, 5 और 8 13। और फिर ये 8-8 ही है क्योंकि ये आधा है, यद्यपि अगला होता तो 16 होता लेकिन ये 8 है और ऐसे ही 8 इधर है, तो 8 और 8 16। तो हमारे पहले के कितने थे, 13 और 16 29। और इसके बाद में अंतिम जो 8 राजू का पुष्करार द्वीप है, 8 लाख योजन का जो पुष्करार द्वीप है, तो उसके 8 यहाँ है, सॉरी 8 यहाँ और 8 यहाँ, इसे 16 और जोड़ देंगे 29 में, तो कुल 45 लाख योजन का ये मध्य लोक है। इसकी इस रचना अपन ने विस्तार मध्य सॉरी 45 लाख योजन का ये 2.5 द्वीप है और इसके अंदर ही 398 अकृत्रिम चैत्यालय हैं जो हमारे प्रवीण भाई साहब जी बताएंगे, और 52 जो 60 चैत्यालय जो और है वो इसके बाहर है। तो ये जो हम लोगों ने 2.5 द्वीप बनाया है, यहाँ पर जो 2.5 द्वीप बना है इसमें जम्बू द्वीप का विस्तार आपने देखा होगा, और जम्बू द्वीप के साथ में अन्य 2.5 द्वीप का भी विस्तार है, और वो जो 398 अकृत्रिम चैत्यालय है उन 398 अकृत्रिम चैत्यालयों के प्रतीक स्वरूप में एक एक प्रतिमाएं यहाँ पर उनके विराजमान हो रही है, और साथ में और भी जो 324 ही है वो सब विराजमान हो रही है, उसकी विस्तृत जानकारी प्रवीण भाई साहब देंगे।